बेटे के जूते में अगर बाप का पैर आ जाए तो वो बाप बेटे नहीं रहते, दोस्त हो जाते हैं कि नहीं। ये कुछ अनोखा शूज है भाई, क्रेजी सस्पेंस रखा है, वो धीरे धीरे खोलता जाऊंगा। सो 10 दिन बाद फॉर श्योर हम जो एक इंटरनेशनल ट्रिप मारने वाले हैं 80,000 के भाई। इसमें बोलता है 80,000 तेरा घर जाएंगे इसमें। What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog. So, अभी बज रहे हैं दोपहर के कितने 2 एंड यहाँ पर मेगा जी है, खाना गर्म कर ली मेरे लिए। एंड आज का जो खाना है वो मेड बाय पापा जी है। एंड फुल क्या बोलते हैं, कैसा बनाया तुमने तो खा लिया ना? अच्छा बनाया, टेस्टी बनाया, ठीक है। क्योंकि मतलब ऐसा है ना, पापा खाना बनाते अच्छा तो बनाते, कभी कभी फिर वही है ना कि अगर जिस बंदे की तारीफ ज्यादा कर दो ना तो फिर वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और फिर उसके बाद ना उसके बाद इतना खास नहीं बनता। तो फिर वही सीन है कि मैंने पापा की तारीफ कर तो दी है कि भाई खाना मस्त बनाते, पर जेन्युइनली मस्त ही बनाया होगा क्योंकि दाल भात तो आपके आकाश को पसंद ही है। तो फिर वही सीन है, यहाँ पर खाना वाना डल रहा है, देन उसके बाद खाते हैं। फिर देन उसके बाद जैसे कि कल मेरा जो प्लान था दैट कि मेरे को शूज लेना है करके वो ले नहीं पाया था, तो आज जाएंगे शूज लेंगे। तो गाइस लोग ना मेरे को बोलते हैं दैट कि आप मोटर ब्लॉगिंग जो है वो बाइक में क्यों नहीं करते। अरे बाइक आनी भी तो चाहिए, जब बाइक आती ही नहीं है तो फिर कैसे भाई। ये साल फॉर श्योर आकाश ने ना पता है शपथ ले ली है क्या, इस बार इस साल 23 में आकाश जो है कार बाइक दोनों चलाना सीख जाएगा। नॉट फॉर गेड़िया, घूमने के लिए शो ऑफ के लिए नहीं, बट कभी भी ऐसा ज़रूरत पड़ जाती है तो कार लेके चल सकता हूँ मैं, बाइक पे थोड़ा सा जल्दी जा सकता हूँ मैं, तो बेसिकली उसके लिए। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था हम जल्दी ही इंटरनेशनल ट्रिप करने वाले हैं। सो वो जो जल्दी ही है वो 10 दिन बाद आने वाला है। एंड जो मेरा सस्पेंस है ना धीरे धीरे वो मैं खोल रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट एकदम से मैं रिवील कर दूँ। सो धीरे धीरे जो है 10 दिन बाद हम जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए, एंड ऑब्वियसली उसके ब्लॉग्स जब आएंगे फॉर श्योर आप लोग को पता चलने वाला है धीरे धीरे करके। सो भाई अलग ही मज़ा आने वाला है भाई, मतलब लिटरली जब से मैंने ये ब्लॉगिंग चालू किया किस्म से मेरे को कितने साल हो गए, 3 साल हो गए आई थिंक सो। तो भाई तब से जो मैंने सोचा नहीं था कि मतलब लोग मेरे को इतना प्यार करेंगे, प्लस मेरे को इतना ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि बेइंतहा मोहब्बत जिसे हम कहते हैं वो करेंगे। एंड लिटरली मेरी ऑडियंस जो मैं बोलूँ उनको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है भाई। सो भाई मेरे लिए लिटरली वेट नहीं हो रहा है कि जब वो इंटरनेशनल ट्रिप आएगा और मैं आप लोग को बताऊँ और उसके ब्लॉग्स जब निकल के आएंगे भाई साहब वो क्रेजी फील होने वाला है भाई। सो कल जो हमारा प्लान था दैट कि कल शूज़ भी लेना है बट नहीं ले पाए बिकॉज ऑलरेडी इतना ज़्यादा रात हो चुका था कि बंद हो चुका था। फिर आज का प्लान हमारा यही है कि दैट आज अभी हम जाएंगे शूज़ लेने के लिए, बिकॉज मेरे को कब से वाइट शूज़ चाहिए था जो कि मतलब लाइक मिल ही नहीं रहा था, मिलने मतलब टाइम नहीं मिल रहा था, आज फाइनली टाइम मिला है। तो यहाँ पर जा रहे हैं, कार निकाल लेते बट कोई नहीं अभी क्या है? भाई साहब मतलब डिस्टर्ब मतलब बोलते हैं अटेंशन के लिए कुछ भी है। निकाल तो मैं भी स्कूटी सकता था अपना बट फिर वही उसमें बाल खराब हो जाते, तो बोलते कि रिक्शा से जाएंगे। वेरी गुड, ये अच्छा अच्छा सेंस लगा है। बाकी तो वही चीज मैं बोलता हूँ, निकलते हैं डायरेक्ट। कार का तो मैंने तेरे को बोला पार्किंग नहीं होती वहाँ पे। सस्ता शाहरुख खान तुझे देखा तो ये जाना सनम, स्ट्रॉबेरी भाग रहा है भाई फूल एकदम, क्या बात है। तो जो शूज चाहिए था वो नहीं मिला, 2 शॉप घूम के आए। इसके पहले कौन से गए थे? मेन स्ट्रीट करके एक मतलब शॉप है, वहाँ पर भी हम गए, वहाँ पर मिला नहीं, बट दूसरी जगह गए थे। होप यहाँ पर हमें ऐसा था कि भाई मिल जाए, तो मेरे को मिला था यहाँ पर एयरफोर्स ये वाला, बट ये 8 नंबर है, मेरे को 7 या फिर 6 दोनों में से कुछ भी चलेगा, बट इनका दोनों नंबर वाला ना आउट ऑफ स्टॉक है भाई। बट अब ये लेट्स सी देखते हैं अभी क्या है, कल ही लेंगे, कल परसों जब आएगा इनके में स्टॉक में होगा। बट इन दूर है बैंड्रा वो मिला ही नहीं, बताओ शूज लेना था। ये की वाला शूज दिखाता हूँ, ये वो नहीं है 80,000 के भाई। जेन्युइन इसका प्राइस कितना पूछो एक बार, 80,000 का ही होगा भाई। यही तो शूज था वो MC10 वाला जिसमें बोलता है 80,000 तेरा घर जाएंगे इसमें, वो वाला ही है। ब्रो इसका प्राइस कितना है? ये वही है क्या MC10 वाला? ये वही है बट द कलर इज डिफरेंट। हाँ बट कितने का है? डिफरेंट दिस इज फॉर 20,300। ओह तो वो दूसरा वाला है ना, वो तो 80। या द थिंग इज रिटेल इतना ही है, रीसेल इज ज्यादा। ओह अच्छा, मतलब ये OG है ना, ओरिजिनल है ना सब। सो भाई मतलब मेरा ऐसा मन था कि भाई लेना है वाइट शूज, अब क्या करूं, बट मेरे को दिल आ गया भाई ये वाले पे, बिकॉज जोई के पास भी सेम था और जोई ने अभी जस्ट पहना है। क्या देखो कितना डिफरेंस लग रहा है, गोरा देखो कितना है। साले तू लेके गया था देहरादून और देहरादून लेके गया था, पहाड़ों में पहना था भाई, मेरे को इतना मजा आया ना, मैंने बोला कि चल भाई दिल आ गया इस पे। बाकी तो ये वाला भी क्रेजी लग रहा है भाई, स्नेक वाला, बट लेके दे रहा है ना तू, किसमें को लेके दे रहा है ना, ये जूते तेरे कौन से गाल में खाओगे, ये वाला बढ़िया है। मैं बोल रहा था कि नहीं ये मैं लूंगा भाई। तो मतलब एक ये वाला भी है स्नेक वाला फुल, बट ये 12,000 का है, बट मैं ये ना ये लेने में तो ले लूँ, बट फिर वही सीन है कि इसका ना थोड़ा सा वो वाला है, क्या होता है आउटफिट पे जाएगा नहीं पूरा,
तो मैं स्पेशल ओकेजन पे ही पहन सकता हूँ, बट ये क्या ना हर आउटफिट में भी जा सकता है। सो या मेरा दिल आ गया इस पे एडिडास का एप्पल ओजी है भाई यहाँ पर। इसके अच्छा इसके साथ एक्स्ट्रा लेस भी है भाई, अगर 10,000 का ले रहा हूँ तो बनता ही है लेना तो ऑब्वियसली। भाई कितना सुंदर लग रहा है यार ये। सबसे एक्सपेंसिव कौन सा होगा आपके पास शूज भाई? लग तो रहा है सेक्सी 25 का है। कौन सा वाला बोला, कौन सा ब्रांड था ये? न्यू बैलेंस है ना। ओफ काश इतने वाला बजट होता मेरा, ले लेता। ये कुछ अनोखा शूज है भाई, क्रेजी। इसको लेके हिमालय में चढ़ता हूँ भाई। सो भाई शूज ले लिए हैं बैंकर, जो लेना था प्योर व्हाइट वो नहीं मिला, बट दूसरा जो लिया वो भी मेरे को मस्ती लगा यार। सो गाइस घर पे आ चुके हैं एंड घर आते ही यहाँ पर मेघा जो है वो पढ़ाई कर रही है अपना स्टिल, एंड पापा जी यहाँ पर बैठे। पापा जी ये मैं जूते लेके आया, पहली बार जो है मैंने ओरिजिनल जो है शूज अब मतलब ऐसा लिए हैं, एंड वही पापा को मैं दिखा रहा था कि पापा बताओ कैसा लगा मतलब आपको, ठीक है जस्ट टेल मी। कैसा लगा, बढ़िया है? बढ़िया ही तो होगा, हम क्या पता, हमने जिंदगी लगाए नहीं ऐसे जूते। तो कोई नहीं, बाप बेटे दोनों लगाएंगे है ना। बेटे के जूते में अगर बाप का पैर आ जाए तो वो बाप बेटे नहीं रहते, दोस्त हो जाते हैं कि नहीं? दोस्त हो जाते हैं। बढ़िया लगा शूज? अच्छा, मस्त था ना? अच्छा एडिडास का है। तो फिर वही वाला सीन है। ये तो मत बोलना मैंने कभी जिंदगी भर ओरिजिनल नहीं लिया, दुनिया भर का तो है तेरे पास। अरे वो फर्स्ट कॉपी है पापा, वो जो 1500 के। तो मत बताया कर, क्यों बेइज्जती कर रहा है अपना। अरे वो बेइज्जती की बात नहीं, मैं अपने पूरे सब्सक्राइबर्स को सच ही बताता हूँ, तो जितना भी है ना वो जो जितने भी मैं पहनता हूँ वो फर्स्ट कॉपी होते हैं। तो ये जो है मैं पहली बार मैंने जो है वो ओजी लिया है, जिसमें मेरी पूरी बैंक बैलेंस खत्म हो गई पापा। नहीं नहीं मैं कभी भी पैसे ना, लोग मेरे को बोलते हैं कि आप पैसे अपने खुद रखते हो या फिर मतलब ऐसा देते हो कि कब कब देते हो ऐसा, वो मैं जितने भी पैसे YouTube से हो जाए, जितने भी मेरे काम करता हूँ उसके पैसे वो सब मम्मी और पापा के में रहते हैं, मैं उनसे मांगता हूँ। क्या मेरे में कब रहते हैं? अच्छा वो पापा देरी वो वाला सीन है कि मतलब मम्मी के में रहते हैं। हाँ मम्मी के में रहते हैं आपके में तो। अच्छा हाँ वो आपके में तो ऐसा अरे नहीं नहीं अबे यार वो मतलब वैसे है कि मतलब बेटे का कमाया हुआ पैसा आपका भी तो है। मेरा क्यों है? आपका नहीं है? तेरा ही है, तेरा कमाया पैसा तेरा ही है, मेरा कमाया भी तेरा ही है। हाँ, वो मार के थोड़ी लेके जाऊंगा जो मैं कमा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं वो वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। 32 साल तक मैंने आर्मी में नौकरी की, तो ये कमाई किसके लिए? तुम लोग हमारे लिए, जो भी कमा रहा है वो किसके लिए? हमारे लिए। ओहो तो मतलब आपको ऐसा वो तो नहीं है ना प्रॉब्लम? तू कमा रहा है किसके लिए? मैं अपने लिए। अपने लिए नहीं नहीं वो अरे वो आपने कंफ्यूज कर दिया, मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, बट फिर वो ना मेरे को अपने पे ही मतलब वो नहीं करने का, इन्वेस्ट करने का मन नहीं करता वो, मतलब लाइक ऐसा होता है ना बड़ों को देना, इस लाइक फैमिली को देना, तो वो पैसे क्या है ना बच्चे नहीं संभाल पाते, तो वो फैमिली को देना ताकि वो उनको समझ आए कि क्या करना है फ्यूचर के लिए, क्या बेटर है, इन्वेस्ट करना है क्या करना है, वो मैं बता रहा हूँ। हम तेरे को गाइड कर सकते, गाइड एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट है कि गाइड वाला मेन पॉइंट जो मैंने बोल रहा हूँ। बाकी तो फिर वही सीन है कि भैया मतलब ऐसा लिया ना तो भाई हार्ट अटैक तो आया, बट फिर अच्छा भी लगा कि हाँ भाई मतलब पहन सकते, ओजी आकाश भी पहन सकता है वैसा वाला भाई। मतलब वो ये कि ये शूज के फ्लेक्स नहीं है, मेहनत का फ्लेक्स है, ठीक है। इसका केयर कुछ अलग लेवल का होगा, इसका केयर वही सच्ची में यार, इसका केयर ना इसको जब पहनूंगा ना वही फील आएगी कि उफ ओजी वाला है, क्या बात है भाई मस्त। खाओ पियो इस उम्र, ये खाने पीने पहनने घूमने का। हाँ लेकिन थोड़ा वो सेव भी करो, सेव भी करो, एग्जैक्टली सेव भी करो, मतलब लाइक जैसे 100% में से 40% सेव कर लो, 60% उड़ाओ, और क्या उड़ाओ, मतलब वैसा वाला उड़ाओ नहीं, फालतू ऐसा जो आपके लिए सच्ची में जो जरूरत हो उस चीज का, है कि नहीं? बिल्कुल सही, ठीक है। ठेड़ा नशा नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू।